अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अफ़गानी पनीर की रेसिपी विद वाइट ग्रेवी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और आज हम पनीर बनाएंगे न्यू स्टाइल में। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो सबसे पहले हम इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। कोथमीर ले लेंगे, ग्रीन चिल्लीज, कट ओनियन, अदरक और लहसुन। आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने पनीर लिया है। पनीर को हम इसी शेप में कट करेंगे, ज़्यादा छोटे भी नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं करेंगे। मलाई ली है, आप मलाई के बदले फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। दही लिया है, काजू, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, और हमने यहाँ पे लिया है काली मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा, स्टार्स, लौंग, इलायची, स्वादानुसार सॉल्ट, कस्तूरी मेथी। तो हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। तो सबसे पहले हम पीस लेंगे कोरिएंडर को, ग्रीन चिली को, लहसुन को। अदरक, ओनियन और काजू को हम एक साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अभी जो हमारा पेस्ट वो हो गया है, अभी हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। और इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे और काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे, कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, कर्ड ऐड करेंगे, अब मलाई भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये इसको मिक्स करते वक्त हमको इसको ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा थिन बनाना है। थोड़ा सा जो टेक्सचर उसको थोड़ा थिक ही रखेंगे। और फिर हम इसके अंदर हमारे पनीर ऐड कर देंगे। पनीर डाल के हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। पनीर को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड करेंगे और उसके अंदर एक एक करके हमारे जो पनीर है हम उसको फ्राई कर लेंगे। हम पनीर को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए भी रख देंगे, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमको इसको पूरा भी जलाना नहीं है, थोड़ा ही फ्राई करना है बस। ये पक जाए अच्छे से, कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो गाइस लिटरली ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी ये फ्राई हो गए हैं, अभी हम इसको निकाल लेंगे। अभी हम वही कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देंगे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, जीरा, दालचीनी, स्टार, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। और जो हमारा जिसके अंदर हमने पनीर को मिक्स किया था हम वो वाला पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर देंगे।
और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। देखने में इतना टेस्ट लग रहा है, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। अभी हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट्स तक के। ये हमारे मसाले में जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है, इसका मतलब जो इसका कच्चापना है वो निकल गया है। और इसको हम अच्छी तरह से और थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आए। रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट के लिए हम इसके अंदर कोयले का धुआं देंगे। सबसे पहले हम जो एक कटोरा लेंगे, फिर हम एक कोयला लेंगे, कोयला को थोड़ा सा जला लेंगे और फिर इसको कटोरे के अंदर ऐड कर देंगे। और फिर उस पर बटर भी ऐड कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे ताकि धुआं अच्छे से आए। 10 मिनट हो गए हैं गाइस, अभी ये एकदम अच्छी तरह से हो गया। अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी हम इसको ढक के रख देंगे और जो हमारे फ्राई पनीर है हम उसके अंदर वो ऐड कर देंगे। हम फ्राई पनीर को एकदम लास्ट में ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। बहुत ही सिंपल स्टेप था गाइस, बहुत ही जल्दी बन गया ये। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। हमने पालक पनीर, सारी पनीर खा लिए हैं। सारी पनीर की मैंने रेसिपी भी अपलोड कर दिया है, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ अफगानी पनीर की रेसिपी शेयर करूं। अभी हम इसको ढक के और 10-20 मिनट्स तक के कुक करेंगे। या गाइस अभी जो है हम हमारी गैस को बंद कर देंगे, एकदम अच्छे से कुक हो गया है। फिर हम इसको सर्व कर देंगे। बहुत ही यम्मी, बहुत ही लजीज लग रहा था गाइस। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि वो भी मेरी ये वीडियो देखे और ये रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिए। मुझे तो बहुत खाने में टेस्टी लगा था, आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसका कलर कितना डिलीशियस लग रहा है गाइस, बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस था। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत ही यम था। जो हमारे पनीर है वो भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी बन गए थे। अफगानी पनीर का एकदम टेस्ट कुछ और ही आ रहा था, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस, एकदम रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल आ रहा था और कोयले के धुएं से तो बहुत ही अच्छा आ रहा था। आप भी ये डिलीशियस रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।